आज की अपनी जर्नी रहने वाली वेस्टर्न बस में। वेस्टर्न बस का जो है अब एक और नया रूट आ चुका है, आ चुके अपन लोग हरिद्वार। मेरे साथ बोलिए हर हर गंगे हर हर महादेव। गई है स्वागत है आप सभी का बसेस क्लिक की एक और नई वीडियो में। आज की अपनी जर्नी रहने वाली वेस्टर्न बस में। वेस्टर्न बस का जो है अब एक और नया रूट आ चुका है और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ इनके लिए, क्योंकि क्या है ना, ये लोग मतलब हर 6 महीने में नया रूट लेके आ जाते हैं। और एक नई कंपनी है तो क्या होता है ना, मतलब मेरे को सपोर्ट करने में अच्छा लगता है, उनको उनके लिए वीडियो बनाने में अच्छा लगता है। देख लीजिए पीछे अपनी बस खड़ी हुई है। अब की बार इन्होंने जो है भारत बंद वाली बस ली है और वॉशरूम वगैरह भी है अंदर। तो अपना रूट जो रहेगा वो रहेगा जोधपुर से देहरादून। पूरा बताऊंगा आपको इस वीडियो में कैसा रूट है अपना, कैसा कंफर्ट है गाड़ी के अंदर, कहाँ कहाँ से गाड़ियों की जाती है, कैसे स्टाफ रहने वाला है, क्या क्या सुविधा है गाड़ी के अंदर आपके लिए। तो करते हैं अपन जर्नी को स्टार्ट। लेकिन स्टार्ट करने से पहले बता देता हूँ, अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप लोग मेरी वीडियो लाइक कर सकते हैं, ऐसी वीडियोज़ में लाता रहना सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। करते हैं अपन जर्नी को स्टार्ट। सबसे पहले आप लोग ये देख लीजिए बोर्डिंग पॉइंट जो रहता है अपना, वेस्टर्न बस का लिखा हुआ है बेजिंग यहाँ पे, और जो एड्रेस है आपको दिख रहा होगा कल्चरल सिनेमा के यहाँ पड़ता है। गूगल लोकेशन आपको इसको मैं दे दूँगा। बाकी बस देख लीजिए अपनी भारत बेंच की बस है, ऊपर देख लीजिए वेस्टर्न बस की बेजिंग हो रखी है। और वही दिखा रहा हूँ आपको साइड से, लिवरी हमेशा वाली है जो इनकी रहती है वेस्टर्न बस की। देख लीजिए स्टाइल में बेजिंग कर रखी है। और ये देख लीजिए ये सब है। बस जो है अपनी 12 मीटर की है मेरे ख्याल से, क्योंकि पीछे जो है मुझे थोड़ी लेंथ कम लग रही है। सही है जो भी है। बाकी वेस्टर्न बस की वेबसाइट आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन में हमेशा। वही देख लीजिए पीछे से इमरजेंसी एग्जिट की सुविधा और ये सब है। इस साइड से दिखा देता हूँ आपको, उधर नहीं जा पाऊँ क्योंकि गाड़ियाँ खड़ी हुई, तो इस वजह से थोड़ा दिक्कत रहेगा। बाकी सब कुछ सेम ही है। अभी आपको दिखाता हूँ मैं इंटीरियर बस का, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। इंटीरियर देख लीजिए आप लोग, भारत बेंच की बस है अपनी। और देख लीजिए पैसेंजर मेरे ख्याल से अभी नहीं बोर्ड की है। बाकी देख लीजिए कुछ ऑफर वगैरह लिखा हुआ है, तो आप लोग ये भी अवेल कर सकते हैं। देख लीजिए ऐसा कुछ वॉशरूम है छोटा सा, अच्छा है भाई। वॉशरूम की सुविधा होनी चाहिए, मतलब ये ओनली यूरिनल पर्पज़ के लिए है, तो आप इसमें कुछ और ना करें। देख लीजिए केबिन पूरा पूरा ऐसा है, अच्छा बड़ा केबिन है। बाकी आपको स्लीपर सिखा देता हूँ। मेरा स्लीपर मेरे ख्याल से ये है, हाँ L2 है ये मेरे ख्याल से, हाँ ये वाला ही है। देख लूँगा बाकी मैं। भाई AC के फ्लोर मिलते हैं अपने को, देख लीजिए एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, और एक यहाँ पर भी है, और एक यहाँ पर। 4-4 AC के फ्लोर है, अच्छा ये। बाकी मेरे ख्याल से TV लगा पर चलता तो होगा नहीं, है ना। बाकी ये हो गया रीडिंग लाइट हो गया ये, और चार्जिंग पॉइंट अपने को मिलते हैं यहाँ पे, देख लीजिए, है ना। साथ में ये मोबाइल होल्डर भी है अच्छी खासी, देख लीजिए क्लीन बेडशीट बिछा रखी है आपके लिए। और ये है अपने पास क्या बोलते हैं ब्लैंकेट। बाकी इनबिल्ट पिलो है, सेम आपको दिखा दो डबल स्लीपर, वही सब कुछ सेम चीज़ें मिलती है अपने को। और ये देख लीजिए वही मेरे ख्याल से ये बॉटल होल्डर वगैरह है, सामान भी रख सकते हैं इसमें अपना कुछ। सेम वही रीडिंग लाइट, AC के ब्लोअर और बाकी चीज़ें हैं आपको दिखा दो पीछे तक। बस एक लोअर स्लीपर भी देख लीजिए, सब कुछ सेम वही मिलता है अपने को, देख लीजिए लास्ट तक। पीछे इमरजेंसी एग्जिट है। बस में जो है टोटल अराउंड 30 स्लीपर्स हैं, और अच्छी खासी बस बनी हुई है, AC वगैरह चल रहा है। और देख लीजिए क्लीन बेडशीट से, मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है कि बेडशीट वगैरह सब कुछ सही से बिछा के रखते हैं लोग, क्लीन रहता है सब कुछ काम। तो इंटीरियर मैंने आपको दिखा दिया, और बस जो है बिल्कुल रेडी निकलने को। बस का टाइम यहाँ से है 3:30 बजे का, देख लीजिए बस जो रिवर्स कर रहे हैं इसको, बस को, और निकलते हैं हम लोग। आपको बोर्डिंग पॉइंट और बाकी चीज़ बताऊँगा बस के अंदर बैठ के, देखते रहिए आप लोग।
तो जी निकल चुके हैं हम लोग। ये जो मैं बाद में शूट कर रहा हूँ कि शूट करना भूल गया था, है ना। बस के बोर्डिंग पॉइंट जो है आपको स्क्रीन पे दे दूंगा, तो आप लोग वहाँ वहाँ से बोर्ड कर सकते हैं। बाकी बस जो है अच्छे से पैक है, मोस्टली सवारी जो है दिल्ली हरिद्वार और यहाँ की है। बाकी सुबह सुबह भी एक दो सवारी बोर्ड करेगी गुड़गांव से, तो ऐसा कुछ है, है ना। बाकी स्लीपर देख लीजिए, मेरा ऐसा है अच्छी खासी लेंथ है स्लीपर की। मैंने बैग रख दिया यहाँ पे मेरा, और भाई अपने जैसे के लिए सही है। बाकी बॉटल होल्डर वगैरह है, टीवी वगैरह चलता नहीं कुछ, वो तो ऐसा कहीं पर भी चलता। बाकी ये ब्लोअर लगा हुआ है एसी का, इसको भी खोल लेता हूँ, है ना। बाकी ये चार्जिंग पॉइंट अपने पीछे और ये सब है। रीडिंग लाइट हालांकि जैसे बंद है, रीडिंग लाइट पता नहीं बंद हो गई अभी। अपना रूट जो रहेगा वो रहेगा जोधपुर से देहरादून, तो अपन जाएंगे वाया पाली, सोजत, बर, ब्यावर, अजमेर, किशनगढ़, जयपुर, दिल्ली, फिर मेरठ, मुजफ्फरनगर, हरिद्वार, और फिर अपन पहुँचेंगे देहरादून, है ना। देहरादून मेरे ख्याल से कल अपन सुबह सुबह कुछ 10-11 बजे पहुँच जाएंगे। मैंने टाइम अभी देखा नहीं, मतलब ऑफिशियल टाइम क्या है ना, जो भी रहेगा मैं बता दूँगा आपको सुबह सुबह, है ना। और ये बस जो है ये वाया पाली होकर जाती है, मतलब जैतरन वगैरह होकर नहीं जाती, क्योंकि पाली से सवारी मिलती है, आधे घंटे का डिफरेंस पड़ता है कुछ, तो हाँ ये बात रहती है। बाकी केबिन रेट जो है आपको यहाँ के दिखाऊंगा ही दिखाऊंगा, बट सुबह सुबह ज़्यादा दिखाऊंगा, क्योंकि सुबह सुबह जो है ना अपने को ओवरटेक्स भी मिल सकते हैं ज़्यादा, और दूसरा क्या है ना वो रूट काफ़ी दिन से कवर नहीं किया, तो आप लोग देख लेंगे, है ना। जो भी है कंटिन्यू करें जर्नी को, देखते रहिए आप। और जी अभी अपना आ चुका है एक 20 मिनट का हॉल्ट खाना पीना करने के लिए ऑफकोर्स, और टाइम अभी हो रहा है लगभग देख लीजिए 9:30 बज रहे हैं कुछ, है ना। और बाकी अपना हॉल्ट आया है होटल नीलम पे, मेरे ख्याल से नीलम लिखा हुआ है, हाँ। बाकी ज़्यादा उधर नहीं जा रहा, क्योंकि है ना सॉन्ग चल रहा है उधर, तो फिर ऑपरेट आ जाएगा मेरे ना। बाकी जर्नी वगैरह अच्छी चल रही है भाई साहब, बस अच्छी खासी बनी हुई है, और बस जो है अभी जयपुर तक के लिए तो पैक हो चुकी है, है ना। बाकी एक दो बातें बता देता हूँ आपको, फेयर जो बताऊँगा खाना खाने के बाद। बात करें ऑपरेटर की, तो ऑपरेटर वेस्टर्न बस अच्छा खासा है, और लास्ट ईयर इन्हें चालू किया था, और देख लीजिए भाई साहब इस साल अभी तीसरा रूट इन्हें चालू हो चुका है, और अभी चौथा भी हो जाएगा थोड़े दिनों में, तो बताऊंगा मैं आपको वीडियोस में आगे, है ना। तो भाई साहब ये चीज़ अच्छी है, और मुझे अच्छा लगता है देखिए कि भाई कोई मतलब नए नए ऑपरेटर जो है अच्छे खासे मतलब काम कर रहे हैं, और सही से काम कर रहे हैं। हमेशा जैसे मैं बोलता हूँ कि जो जिंग बस, इंटरसिटी, स्मार्ट बस, ये सब जो स्टार्टअप है उनसे तो बेटर ही काम कर रहे हैं। बाकी खाना पीना करता हूँ और फिर बताता हूँ फेयर कितना है अपना, क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लग रही है, देखते रहिए आप लोग। तो जी हो गया अपना खाना पीना, होटल अच्छा खासा बना हुआ है, वॉशरूम वगैरह भी अच्छे हैं, और मैंने जो स्टाफ के साथ खाना खा लिया था,
मैंने एक सेव टमाटर रोटी और छाछ हमेशा ले लिया था। बाकी देख लीजिए बस अपनी बिल्कुल रेडी निकलने को। आपको फेयर बता देता हूँ, फेयर जो है ना इस रूट का रहता है 1500-1600 रुपये, मतलब 1600 रुपये लोअर का रहेगा, 1500 रुपये अपर का रहेगा, है ना, ये रहता है। और मोस्टली मतलब इतना रहेगा क्योंकि ये रूट पे ये फेयर बनता है, है ना। मतलब मेरे तो 1500-1550 रुपये लगे। बाकी अपने ड्राइवर से आप देख लीजिए, आपका नाम बता दीजिए। गणेश शर्मा। गणेश जी हैं बस जोधपुर देहरादून। अच्छा, स्टार्टिंग से ये रूट जरूर मैंने की। अच्छा, आपने की क्या? देख लीजिए ये स्टाफ है। बाकी आपको अच्छा दोनों बाकी दोनों स्टाफ से मिला था इनकी टिकट। ये अपने कंडक्टर भैया से मिल लीजिए। भैया आपका नाम बता दीजिए एक बार, आपका नाम बता दीजिए। मेरा महेंद्र नाम है। अच्छा, और आप मतलब आप भी स्टार्टिंग से ये रूट पे हो? अच्छा, आप पहले दिल्ली अहमदाबाद चलते थे, हमने बताया था जी। भैया पहले दिल्ली अहमदाबाद चलते थे, महेंद्र नाम है भैया का। बाकी उधर वो ड्राइवर साहब बैठे हैं, उनसे मिलाता हूँ। अब मतलब अभी तेज से ये वाले पैसे चला रहे थे और अभी चलेंगे। आपका नाम बता दीजिए भैया। मेरा नाम सुरेश है। तो देख लीजिए ये तीनों रहते हैं। अब आप मेरे ख्याल से कहाँ तक चलाएंगे? अब नहीं नहीं अभी मतलब सुबह सुबह कहाँ तक चलाएंगे? अब अभी दिल्ली क्रॉस करेंगे। अच्छा, दिल्ली क्रॉस करेंगे, रुड़की तक ये चलेंगे भैया और फिर वापस आ जाएंगे ये, है ना। जो भी है कंटिन्यू करें जर्नी को, देखते रहिए आप। और जी अभी हो रहे हैं लगभग सुबह के 8 और हम लोग आके रुक चुके हैं अपने ब्रेकफास्ट हॉल्ट पे। जगह है ये मुजफ्फरनगर और भाई साहब देख लीजिएगा ठंड हो रही है जोरदार वाली। होटल दिखा रहा था आपको, होटल का वैसे नाम तो मुझे पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा, बट हाँ यहाँ पे आया हुआ हूँ पहले। जितने भी राजस्थान राइडर्स हैं यहाँ पे रुकते हैं, मतलब राजस्थानी जो बसेज है ना सब यहाँ पे रुकती है। देख लीजिए ठीक ठाक होटल है, बट हाँ सही है, कोई दिक्कत नहीं है सच। भाई साहब ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है यार, मतलब मैं तो सो रहा था दिल्ली से निकलती हूँ मेरे को भाई साहब पहले तो जैसे क्योंकि क्या है ना जोधपुर में तो इतनी ठंड नहीं थी, पर यहाँ पे ठंड हो रही है दिल्ली से निकलते, तो भाई साहब मैंने सब कुछ स्वेटर वेटर जो भी उसको सब कुछ निकाल दिया। हालांकि मुझे पता था इस वजह से मैंने जो है मतलब एक जो स्वेटर है मेरे मेन बैग के रखा था, मतलब जो कंधे वाला है सूटकेस में रखा था, तो हाँ ये बात है। बाकी देखता हूँ कैसा होटल है यहाँ पे और देखता हूँ कुछ खाना पीना करता हूँ क्योंकि भूख लग रही थोड़ी सी। बाकी देख लीजिए बस तो अपने यहाँ पे है ही, नींद वगैरह अच्छी खासी आ गई भाई साहब बस के अंदर ही थी, मतलब ये मानिए आप लोग 5-6 घंटे की नींद हो गई तो क्या सही रहेगा मेरे लिए। तो जी हो गया अपना हॉल्ट कंप्लीट और अभी ड्राइवर साहब जो हैं वही वाले हो जाएंगे जो कल रात को जिन्होंने रेस्टोरेंट से मतलब गाड़ी छोड़ी थी, अब वापस वही चलाएंगे। ओके देख लीजिए यहाँ पे आ चुकी है ये जय श्री गणेश, ये आती है नीमत से वाया वही भिलवाड़ा फिर जयपुर और दिल्ली हरिद्वार, मतलब दिल्ली होके आती है ये हरिद्वार जाती है, लास्ट देहरादून नहीं जाती। बाकी तो
कंटिन्यू कर जर्नी को अपन देख लीजिए। अच्छे तो भी एक और आगे राजस्थान की अच्छा जितनी भी हरिद्वार वाली बसें हैं ना ये सब ये जय श्री गणेश यात्रा जो है ना ये कंट्रोल करता है हरिद्वार से, मतलब बाकी तो यहाँ से यहाँ तो वही रहती है बट हरिद्वार से ये लोग कंट्रोल करते हैं, बड़ा इनका नेटवर्क है। जो भी है करते कंटिन्यू जर्नी को, देखते रहिए आप लोग। कचरा भर के लाया और पलटी चपाती देख ले, ये कल लेक्चर में गई है, ये टर्न में गई है गाड़ी। अच्छा अच्छा मैं गाड़ी में इससे पलटी खा गई। और जी आ चुके अपन लोग हरिद्वार, मेरे साथ बोलिए हर हर गंगे हर हर महादेव। और टाइम अभी हो रहा है लगभग सुबह के 10:15 और हरिद्वार में जो गाड़ी है ना आपको अंदर पार्किंग में आके उतारेगी, ऐसा नहीं कि हर की पुटी बाईपास से आपको उतार के चली जाएगी आगे देहरादून, ऐसा नहीं जाएगा। देख लीजिए पार्किंग में आ रखी गाड़ी बिल्कुल। बाकी यहाँ पे ये नागौर से भी गाड़ी है और ये ऑफिस रहता है श्री गणेश यात्रा कंपनी जैसा मैंने आपको बोला भी था। बाकी गजराज भी आई हुई झुंझुनू से और उधर आपको दिखाऊँ थोड़ा सा, तो देखिए ये खड़ी है RS-RTC, ये जयपुर वाली हो गई स्लीपर, थोड़ा सा एक बार दिखाता हूँ, ये स्लीपर हो गई जयपुर वाली। बाकी अभी तो सारी आई नहीं है, अभी जालौर वाली आएगी और ये सब आएगी। अभी तो वैसे पूरा पूरा लाइन लगता है RS-RTC का, यहाँ पे लगभग मेरे ख्याल से कुछ 30-35 बसें रहती है यहाँ पे, है ना। तो ये बात है, बाकी देख लीजिए ऐसे कुछ पार्किंग है पूरा पूरा। बस यहाँ से आप लोग जाएंगे तो आप लोग घाट ये देखिए, आपको थोड़ा दिखा देता हूँ, थोड़ा सा जूम इन करके ये दिख रहा है ना ये वाला एरिया, ये घाट है। तो मतलब आपको वॉकिंग डिस्टेंस में पड़ जाएगा ज़्यादा, मतलब ऑटो ऑटो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो ये बात रहती है। बाकी भाई साहब जर्नी अच्छे खास चल रही है, बस वगैरह अच्छे खासी कंफर्टेबल है और दिक्कत आपकी बस में नहीं आएगी।
तो जी आ चुका हूँ मैं देहरादून। देहरादून में जो बस का आने का टाइमिंग है वो है लगभग कुछ 11:30 का, और अभी 11:30 हो रही है, तो बिल्कुल सही टाइम पे हम लोग आ चुके हैं। बस का जो लास्ट डिबोर्डिंग पॉइंट या देहरादून से बोर्डिंग पॉइंट रहता है वो रहता है बामनवाला चौक। बाकी जो नंबर वगैरह बुकिंग के लिए मैं आपको दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप लोग वहाँ से बुक कर सकते हैं, है ना। बाकी आपको जहाँ पे भी उतरना है डिबोर्डिंग वगैरह करा देते हैं, जो भी बोर्डिंग पॉइंट आपके स्क्रीन पर दे दूँगा, है ना। मतलब आप लोगों को पता नहीं एक्जैक्टली। बाकी मैं अभी पार्किंग में आ चुका हूँ, देख लीजिए ऐसे कुछ पार्किंग है, ये अपनी बस से खड़ी हुई है। बाकी वहाँ पर राजकल्पना हो गई जो दिल्ली से आ रही है, ये बाबू हो गए जो कोटा से आ रही है, ये देख लीजिए। बाकी साथ में ये सब बस अपने साथ में आई है, है ना। तो ऐसा कुछ है, जर्नी वगैरह बहुत अच्छी रही। जर्नी मतलब ऐसी है कि आप लोग ट्राई कर सकते हैं बस को, क्योंकि क्या है ना, जोधपुर से इकलौती बस आती है। बाकी जो भी आपको दिखेगी ना ऑनलाइन हरिद्वार के लिए तो एक दो बसें रहती है, बट जो ऑनलाइन आपको देहरादून के लिए बस दिखेगी, देहरादून के लिए ऋषिकेश के लिए, तो वैसे वाली होती है जिनमें मतलब आपको चेंज कर देंगे हरिद्वार से, तो वो आप लोग मतलब नाइट ट्राई करें तो बेटर रहेगा, नहीं तो फिर आपका नुकसान है। बाकी देख लीजिए अपनी बस तो देहरादून आती है, देख मतलब मैं देहरादून में हूँ भी तो मेरे पास तो भाई प्रूफ है ना। बाकी आप लोग गुड़गांव दिल्ली या जयपुर से भी बस बोर्ड कर सकते हैं। उसमें क्या है ना आपके लिए ये रहेगा, क्योंकि फ्लेक्सी फेयर होता है इसमें, यानी कि जितना आप ट्रैवल कर रहे हैं उस हिसाब से आपको जो है रेट पड़ेगी। ऐसा नहीं कि पूरा पूरा 1500 रुपये पड़ेगा, थोड़ा बहुत मतलब जितना कम हो सकता है वो पड़ेगा, है ना। बाकी डिटेल्स मैंने आपको शायद दे दी है, कोई भी आपको क्वेरी रहती है आप मुझे कमेंट से पूछ सकते हैं। करते हैं वीडियो को एंड, आप लोग कैसे लगी वीडियो बताएं मुझे कमेंट सेक्शन में, और किस किस रूट्स पर आपको जर्नी चाहिए ये बताएं मुझे कमेंट सेक्शन में। लाइक कीजिएगा वीडियो को, कमेंट कीजिए क्या चला क्या बेटर हो सकता है, शेयर कीजिएगा ताकि आपके लिए मैं और चीज़ें ला सकूँ और चैनल से जुड़ जाए फिट। बाकी तो मिलते हैं अपन लोग किसी और नई वीडियो में, किसी और नई जर्नी में। तब तक के लिए जय हिंद एंड गुड बाय।